छठ महापर्व की आस्था पूर्वांचल ही नहीं बल्कि कान्हा की नगरी मथुरा के घाटों पर भी बिखर गई है। घाटों पर हर तरफ श्रद्धालु दिखे और महापर्व मनाया गया। मथुरा में यमुना के घाटों पर श्रद्धालु सूप पर फल ठेक हुए कसार सजाकर पहुंचे, इन्हें छठी मैया को अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने सूर्योदय को अर्घ दिया और घाटों पर सेल्फी का दौर भी लगातार चला। शहर के पार्कों में बने तालाबों में भी लोगों ने छठ का पर्व मनाया। ज्यादातर जगहों पर घरों और अपार्टमेंट की छत पर भी पर्व मनाया गया। मथुरा जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वो घर पर ही छठ मनाएं, पर हर किसी के घर में इतनी जगह नहीं होती कि वो छठ मना सके। ऐसे में लोग घाटों पर भी गए। ऐसा ही एक दृश्य शनिवार के दिन यमुना तट स्थित प्राचीन कोयले घाट पर देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान कर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया। रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत 50 से अधिक कॉलोनियों के लोगों ने नजदीकी कोयले घाट पर जाकर छठ महापर्व पर पूजा पाठ की। छठ पूजा की शुरुआत दीपावली के चौथे दिन से नहाए खाए के साथ की जाती है। छठ पूजा पर प्रथम दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है एवं चौथे दिन भोर के समय जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्योदय को अर्घ अर्पित किया जाता है, फिर पारण कर व्रत पूरा किया जाता है। छठ महापर्व पर ब्रज कलाकार दुर्गी भैया ने कहा कि ब्रज में छठ महापर्व मनाने वाले श्रद्धालु बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जो कान्हा की नगरी में यमुना तट पर छठ पूजा कर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करते हैं। इस मौके पर SN दुबे, नंद किशोर साहा, बालेश्वर सिंह, रविंद्र सिंह, नितेश शर्मा, नवल किशोर, शशिभूषण दुबे, भरत महतो, साधु जी, विनोद बिहारी, उषा प्रसाद, नेहा प्रसाद, प्रिया जयसवाल, सुमन, प्रियंका, रमावती, अनीता पाठक, कलावती देवी, इंदु देवी, गीता शर्मा, रमी उपाध्याय, बीना उपाध्याय, मधुबाला, निकिता, रविकांत दुबे आदि लोग छठ महापर्व पूजा में मुख्य रूप से मौजूद रहे। यह छठ महापर्व पे आपने उगते हुए सूर्य को अर्पित किया है, कितने दिन का यह व्रत होता है और क्या इसका महत्व है? व्रत ये 4 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें शाम को रात को खीर और गुड़ का खीर और रोटी बनता है और उसको खाते हैं, उससे पारण वो खोलते हैं। फिर दूसरे दिन 24 घंटे का पूरा व्रत रहता है। फिर तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद अगले दिन चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, उसके बाद पारण करते हैं। इस तरह व्रत हमारा पूरा होता है। सूर्यदेव का यह प्रमुख व्रत ये सूर्यदेव का प्रमुख व्रत है। इसे सब हमारे यहाँ सब लोग करते हैं, जिसके पुत्र होते हैं वो सब लोग करते हैं, या किसी की इच्छा होती है, कोई मनोकामना होती है, वो अपने करता है ये व्रत। आज छठ पर्व का व्रत पूरा हुआ है, 4 दिन से यह पर्व मनाया जाता है, 2 दिन 48 घंटे से व्रत भी रहते हैं। आपके कान्हा की नगरी में यह पर्व मनाया गया, कैसा आपको लगा है? अद्भुत ये दृश्य मैंने कल देखा, शाम को देखा, जब सूर्य नारायण को लोग शाम का अर्घ दे रहे थे और श्रीजी घाट पे कोयला घाट पर ये पर्व मनाया गया, कोयला गाँव में और यहाँ वासुदेव घाट पर भी ये अद्भुत नज़ारा था और बहुत ही सुंदर लगा। और इतना सुंदर हमारा ब्रज के अंदर जिन लोगों को ये मौका मिला है यहाँ छठ पर्व मनाने का, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं और उनको बहुत बहुत प्रभु अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखें। ये जो व्रत है वो व्रत बहुत कठिन व्रत है और अपनी संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत ये महिलाएं और पुरुष रखते हैं। उन बच्चों को अपने माता पिता के बारे में ये सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता कितनी कठिनाइयों के साथ हम लोगों की वंशावली के लिए ये व्रत रखते हैं। ये उनकी मान्यता है इस व्रत की और ये सूर्य भगवान